दो किसानों की बात आपको बताती हूँ, उनकी कहानी आपको सुनाती हूँ, जो एक ही गांव में रहते थे। पास पास उनकी जमीन थी, लगभग बराबर जमीन, दोनों एक तरह से मेहनत करते थे और लगभग एक समय पर दोनों की मृत्यु भी हो चुकी थी। यमराज दोनों को साथ में भगवान के पास लेके गए। अब उनका नंबर आया कि भगवान से जाकर मिलना है, बात करनी है, जीवन का ब्यौरा देना है। तो भगवान ने कहा कि एक एक कर मैं तुम दोनों से कुछ सवाल पूछूंगा। पहले किसान को अंदर बुलाया, उससे पूछा कि बताओ तुम्हें जो जीवन मैंने दिया वो कैसा था, उसमें क्या कमी थी, क्या कमी रह गई, तुम अब क्या चाहते हो कि अगले जन्म में तुम्हें संसार में भेजूं तो क्या मना कर भेजूं। वो किसान तो बड़ा ही रुष्ट, बड़ा ही गुस्से में आया और भगवान से बोला कि भगवान जी, आपने जो जिंदगी मुझे दी थी वो बहुत ही घटिया जिंदगी थी। क्या था मेरे पास, सारा जीवन बस मेहनत करता रहा और मेहनत करके सिर्फ उतना ही कमा पाया कि अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूं। ना कभी अच्छे कपड़े पहने, ना कहीं घूमने गया, ना कहीं सैर करने गया, ना कभी अपने पत्नी बच्चों के या खुद के लिए कोई सुख सामग्री खरीद पाया। बड़ा ही बेकार सा मेरा जीवन था। जो कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते थे कोई यहां ले जाता था, कोई वहां ले जाता था, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, कोई सुख ही नहीं भोग पाया अपने जीवन में। उसकी बात सुनकर कुछ समय मौन रहे भगवान, फिर उन्होंने कहा ठीक है, बताओ अगले जन्म में तुम कैसा जीवन चाहते हो। तो बड़ी आंखों में चमक लेकर उस किसान ने कहा कि ईश्वर, आप तो मुझे एक ऐसा जीवन देना जिसमें कोई मुझसे कुछ मांगे ना, चारों तरफ से हर कोई बस मुझे धन ही धन दे। भगवान ने कहा तथास्तु, जैसा तुमने मांगा है तुम्हें वैसा ही जीवन मिलेगा। उसके बाद भगवान ने दूसरे किसान को अंदर बुलाया, उससे भी वही सवाल पूछा कि कैसा था तुम्हारा जीवन, क्या कोई उसमें कमियां थी, अगले जन्म में तुम्हें क्या बनाकर भेजूं संसार में। उस किसान ने हाथ जोड़कर सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, धन्यवाद इस खूबसूरत जीवन के लिए जो आपने मुझे दिया था, इसमें तो कोई कमी नहीं थी प्रभु, अब आपसे क्या मांगू। आपने मुझे एक हंसता खेलता परिवार दिया, आपने मुझे स्वास्थ्य दिया, आपने मुझे एक जमीन दी जिस पर मेहनत करके मैं रोजी रोटी कमा पाता था, लेकिन हाँ कमी थी तो बस एक चीज की। भगवान ने कहा क्या कमी थी, तो उसने कहा कि बस कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आता था और भोजन की कमी की वजह से मुझे उसे ना कहना पड़ता था और इस बात का अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहा कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा प्यासा लौट गया, आज भी उस बात का अफसोस है। ईश्वर ने कहा तो क्या चाहते हो, अगले जन्म में संसार में क्या बनाकर भेजूं। उसने कहा बस ईश्वर आपसे यही चाहता हूं कि अगले जन्म में मुझे जो भी जीवन देना, लेकिन मेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा प्यासा ना लौटे, मुझे इतना वरदान दे देना। ईश्वर ने कहा तथास्तु, जैसा जीवन तुमने मांगा है वैसा ही जीवन तुम्हें मिलेगा। दोनों का दूसरा जन्म हुआ, फिर एक ही गांव में दोनों जन्मे, बड़े हुए। बड़े होते होते वो पहला व्यक्ति जिसने ईश्वर से कहा था कि मुझे हर कोई सिर्फ धन दे, वो उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन गया। और वो व्यक्ति जिसने कहा था कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा प्यासा ना लौटे, वो उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना। जिंदगियां एक सी हो सकती हैं, परिस्थितियां एक सी हो सकती हैं, लेकिन आप खुश हैं या नहीं है ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। हर स्थिति के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आप कैसे देखना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। हर पहलू को सकारात्मक तरीके से देखकर आप खुशनुमा जिंदगी बिता सकते हैं। खुशी जो है ना वो आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है, कहीं बाहर मत ढूंढिए उसे। 94.3 MHz से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।